नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। सो आज हम बात करते हैं निसंतानता को दूर करने के कुछ घरेलू उपचार के बारे में। मेरे पास या किसी भी गायनी के पास जब लोग अक्सर जाते हैं तो उनमें हमारी ओपीडी में 60% केसेस निसंतानता के होते हैं। गायनी ओपीडी में या तो आपको बच्चा ठहर नहीं रहा, या फिर बच्चा आपका बार बार मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है, या पहले बच्चे के बाद दूसरे कंसेप्शन में आपको इश्यूज आ रहे हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस, तो उनमें ज्यादातर ट्यूबल ब्लॉकेज के केसेस होते हैं। सो ये जो कुछ केसेस हैं उनमें जब आप IVF करवाने के लिए जाते हैं तो IVF में आपको सक्सेस रेट बताया जाता है 25-30% और आपका खर्चा आता है 1.5-2 लाख, 2.5 लाख। वो डिपेंड करता है कि केस कैसा है, आप कितने बड़े सेंटर पे जाके करवा रहे हैं, और आपको कोई सक्सेस रेट भी नहीं मिलता। बट उस इतना सा टाइम देने के बाद, समय देने के बाद, पैसा देने के बाद भी आपका ना तो IVF सक्सेस होता है, ना ही आप नेचुरल कंसीव कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों? उसमें सबसे बड़ा कारण है आपकी एग क्वालिटी का पुअर होना, यानी कि अच्छे अंडे ना बनना, मेल के स्पर्म अच्छे ना बनना, फीमेल की एग क्वालिटी पुअर होना। तो उन सारी चीजों को हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में जाने से पहले, या नेचुरल कंसेप्शन के लिए आयुर्वेद की तरफ पहले जाकर सही चुनाव कर। तो उनमें अब कुछ घरेलू नुस्खे हैं। सबसे पहले हमें इनफर्टिलिटी का कारण जानना चाहिए, हमारी बॉडी में कौन सा दोष ज्यादा विटेट है, यानी कि हमारे आयुर्वेद में जो दोषास बताए गए हैं वात पित्त कफ, उन पे ध्यान देके उनको करेक्ट करना है। उसका समाधान सिर्फ आयुर्वेद के पास है। आपकी बॉडी को पंचकर्मा से शुद्धि कर, उसके बाद रसायन कर, आपको रसायन चलाकर, आपकी जो शमन औषधि है वो आपकी प्रकृति के अनुकूल चलाकर ही हम डिसाइड करते हैं और आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड है कि स्ट्रेस, आजकल जिसको देखो स्ट्रेस है, स्पेशली जब बच्चा नहीं होता है इनफर्टिलिटी कपल को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, सोशल स्ट्रेस उनको होता है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन सिर्फ आपको सपोर्ट दे सकता है, बट यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प देयर सेल्फ। यस, आप अपनी सहायता इसमें खुद करिए। तो आपको ये समझना और ये जानना है कि कुछ चीजें हमें पेशेंस के साथ मिलेगी, हमें पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, और पेशेंस के साथ अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, चाहे वो म्यूजिक थेरेपी हो, चाहे वो आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करके कीजिए। ज्यादातर मैं इनफर्टिलिटी कपल्स को जैसे सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग वॉक पे एक साथ जाइए, जिससे ना सिर्फ आप लोगों की इंटीमेसी बढ़ेगी बल्कि आप लोग सही टाइम पे कंसीव भी करेंगे और आपके हार्मोन्स भी सुचारू रूप से चलेंगे। सेकेंड है मेडिटेशन। जब हम इनफर्टिलिटी पे काम करते हैं, हम डाइट पे काम करते हैं, हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, बट हम अपनी इनर हेल्थ सोल पे काम नहीं करते, जो कि हमें ना सिर्फ निसंतानता के प्रेशर में हमें हमारी जो इनर हेल्थ है वो मेंटली प्रेशर में दब जाती है, बल्कि हम उसकी तरफ देख ही नहीं पाते हम कितने स्ट्रेस आउट है। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमें इनर हीलिंग देती है। सो आपका डॉक्टर आपको बाहर एक्सटर्नल तरीके से ट्रीटमेंट तो दे रहा है, बट इनर हेल्थ के लिए आप खुद अपना मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में चाहे आप वॉक कीजिए, जो भी स्पिरिचुअल आप जिसको भी मानते हैं आप उसकी पूजा कीजिए, या कुछ आप डिवोशनल सॉन्ग सुनिए, या फिर कुछ सेल्फ एनालिसिस, मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, आप उनको कीजिए। थर्ड है आपकी डाइट। जब हम निसंतानता की बात करते हैं तो हम पेशेंट को मल्टीविटामिन्स और उन पे जाते हुए देखते हैं। पेशेंट जब हमारे पास एलोपैथी ट्रीटमेंट लेके आते हैं तो ऑलरेडी खूब सारे जिंक मल्टीविटामिन्स खा के आते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड के बहुत महंगी दवाइयां खा के आते हैं। बट आयुर्वेद में और हमारे घर में कुछ ऐसी घरेलू स्पाइसेस होती हैं जो आपके डाइट से ना सिर्फ न्यूट्रिशन को पूरा करती हैं बल्कि आपके हार्मोन्स को भी अच्छा बना के आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। जैसे कि आज के दिनों में आंवला है, बीट रूट है, हर फीमेल के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा कुछ चीजें होती है जो हमें अपनी प्रकृति के अनुसार कैंसिल करनी चाहिए, यानी कि हम अपनी डाइट में ना लें। उसके अलावा जो फोर्थ चीज है वो है हमारी योगा। योगा जो है वो हमारी इंटरनल ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है, मेल के टेस्टिस और फीमेल की ओवरीज को स्टिमुलेट करके अच्छे एग प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो वो योगा आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए और उससे जानिए कि आपको कौन कौन से योगा करने हैं। जैसे कि फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए इनफर्टिलिटी में सेतुबंध आसन हो गया, बटरफ्लाई आसन हो गया, पश्चिम उत्तान आसन हो गया, ये सब बहुत अच्छे होते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारी बैक मसल्स और हमारी लोअर एब्डोमन मसल्स बल्कि हैमस्ट्रिंग भी स्टिमुलेट होकर, स्ट्रेंथनिंग होकर हमारे इनर ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है और हमारी एग क्वालिटी इम्प्रूव होती है। फोर्थ है
मसाजेस, फर्टिलिटी मसाजेस, आयुर्वेद में कैस्टर ऑयल जो कि वात शामक होता है, जो कि आप अगर बोलें कि आपकी बॉडी में सारे दोषास को बैलेंस करके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करेगा, और उसके साथ ही साथ आपका जो, अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो कैस्टर ऑयल क्या काम करेगा, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका फ्लो एब्डोमन के रास्ते आपकी ओवरीज और टेस्टिस की तरफ बढ़ाएगा, जिससे कि आपकी एग प्रोडक्शन अच्छी होगी और आपकी एग क्वालिटी इनहेंस होगी। तो ये सारी चीजें करके, कुछ इन चीजों का ध्यान रख के आप टाइम पे अपनी नेचुरल फर्टिलिटी अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।